हरि ओम, जय गुरुदेव। मित्रों, एक कल की वाणी नाम से चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस पे एक भविष्य वक्ता भविष्यवाणियां करते रहते हैं। और मैंने भी मेरे एक वीडियो में एक क्लिप उनकी दिखाई दी कि 2022 में बापूजी आएंगे करके। तो मैं सच बताऊं, अभी मैं आपको उनकी कुछ वीडियो क्लिप यहाँ दिखाऊंगा कि वे कैसी बातें कर रहे हैं भाई। अभी कुछ बड़ा अजीब लग रहा है इनकी बातें। क्यों देखो, मैं तो इनकी वीडियो देखता ही नहीं, सच बोल रहा हूँ, क्योंकि समय नहीं मिलता उतना देखने का। पर साधक भाई कुछ रिपोर्ट कर बताते हैं, मतलब जानकारी देते कि आज बापूजी के बारे में बोला, ये बोला, तो मैं तब फिर वो देखता हूँ। तो ऐसी एक भाई ने भी जानकारी दी, फिर कल एक बहन का भी फोन आया, फिर आज मेरे आज जो मैंने एक वीडियो पब्लिश किया है बागेश्वर धाम वाले बाबा और वो कौन है शक्तिपुत्र, उन पर जो बापूजी का एक सत्संग भी मैंने उसमें दिखाया उस वीडियो में, तो उस वीडियो पर भी एक भाई की कमेंट आई आज 4 नवंबर को। तो ऐसे साधकों के फोन में कमेंट मैसेज आ रहे हैं कि भाई ये कल की वाणी वाले जो है भविष्यवाणी, ये इस तरीके से बापूजी के बारे में क्यों बोल रहे हैं आप, थोड़ा इनका इस पर भी वीडियो बनाइए। हालांकि मैंने कल ही कल परसों ही सोच लिया था कि इस पर एक वीडियो होना चाहिए और जरूरी भी है। क्यों, अभी आप देखिए, मैं उनकी वीडियो क्लिप आपको दिखा रहा हूँ, कितनी कैसी बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। बार बार प्रश्न करते हैं निर्दोष श्री आसाराम बापू के संबंध में, वे कब जेल से छूटेंगे। हम आसाराम बापू के शिष्य हैं, कब जेल से छूटेंगे, तो उनको बार बार प्रश्न ना करें। आप सबको जानकारी दे दी गई है, उनके लिए 3 महीना समय निर्धारित किया गया था, जिसमें से 1 महीना पार हो गया, अभी 2 महीना समय है। और इतना परेशान मत किया करें आप लोग आसाराम बापू के संबंध में पूछ करके। आसाराम बापू से हम नहीं हैं, हमारे थ्रू आसाराम बापू हैं। उनको बचाने का जब जिम्मेवारी लिया गया है, हमारे ऋषिगण लोग ले लिए हैं, तो उनको बचा लिया जाएगा। वर्ष 2022 के नवंबर दिसंबर में वे जेल से बाहर आएंगे, तथा बहुसंख्यक जेल के कैदियों को भी छुड़ाया जाएगा, जो इसी वर्ष शुरू होगा, तथा सभी प्रकार के न्याय प्रक्रिया जेलों में बंद कैदियों के लिए पूरे विश्व में इसी वर्ष शुरू होगा। उस समय विश्व का इंटरनेट वर्तमान के मालिकों के हक से दूर होगा, यानी श्री आसाराम बापू से ही जेल के कैदियों के साथ न्याय शुरू किया जाएगा। ये ऋषि परशुराम की प्रतिज्ञा है, इसके लिए बार बार आप सब प्रश्न न करें। आप सबको जानकारी होगा कि हम जो ही मंत्रियों और नेताओं और सरकार के लोगों को और जजों को गाली देते हैं, इसीलिए गाली देते हैं ताकि वे हमारे ऊपर कार्रवाई करें और हम आसाराम बापू को और जल्द से जल्द जेल से बाहर निकाल सकें, तथा उनके जैसे जितने भी जेल के कैदी हैं उनको बाहर निकाल सकें। परंतु हम तो अपने प्रयास कर रहे हैं, ये सरकार या संविधान चलाने वाले सब जज जो बैठे हुए हैं कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इतना गाली देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम अपने लिए इन सबको गाली नहीं देते हैं, आसाराम बापू के लिए ही गाली देते हैं ताकि उनको जल्द से जल्द जेल से छुड़ाया जा सके। आप सब समझने का प्रयास करिए, और कोई ये ना पूछे कि आप कहाँ से ये शक्तियाँ और कितनी शक्तियाँ प्राप्त किए हैं, हमारे पास क्या शक्ति है नहीं है, ये हम आपको नहीं बताने जाएंगे। ये कोई पूछता है कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, हम क्या किसी से पूछने जाते हैं कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं आप बता देंगे? ऐसे ऐसे बेकार के प्रश्न कृपया ना करें, अच्छा नहीं लगता है। आसाराम बापू के शिष्य अपनी जगह पर है, आसाराम बापू के शिष्य अपनी जगह पर है। देखा आपने, सुना, आसाराम बापू से हम नहीं है, आसाराम बापू हमारे थ्रू है, क्या बात कर रहे हैं। और इसीलिए साधक की भावनाएं आहत हुई होंगी, तो कईयों ने कमेंट की होगी, तब कमेंट की उनको, तो 2 नवंबर को फिर उनका वीडियो आया स्पेशल इसी विषय पर, बापू जी के विषय पर, हमारे गुरु भाई बहनों के विषय पर। लेकिन अभी वो वीडियो क्लिप भी आप देखिए 2 नवंबर वाली, और इसमें कितनी गलत बात उन्होंने की है। तो मैं कहूँगा कि अब इनके वीडियो कोई देखे ही नहीं, बापू जी के शिष्य जो है, गुरु भाई बहनों से निवेदन है, मैं तो देखता ही नहीं, सच कहता हूँ, मुझे समय नहीं मिलता। पर एक दो वीडियो, एक वीडियो क्लिप उनकी मैंने ली थी जरा सी अपने एक वीडियो में कि बापूजी 2022 में आएंगे, उस पर वो वीडियो क्लिप थी।
बाकी मैं वीडियो देखता नहीं, और आपसे भी निवेदन कि आप इनकी वीडियो देखे नहीं। कितना घमंड, कितना अहंकार दिख रहा है, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ वीडियो क्लिप। अरे भाई मैं एक सवाल इनसे करना चाहूंगा कि आप जो बोल रहे हो कि साधक कमेंट कर रहे, चले एक मुझे लगता है कि ये 2 नवंबर का वीडियो पहले देख ले, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि ये किस तरह गलत बात कर रहे हैं। चलिए, ये था 31 अक्टूबर की वीडियो क्लिप, 31 अक्टूबर का वीडियो था उनका, उसमें से मैंने एक वीडियो क्लिप यहाँ निकाल के दिखाई आपको। अभी 2 नवंबर का इनका पूरा वीडियो दिखाता हूँ, जो दो मिनट का ही है, 2.5 मिनट का, लेकिन स्पेशली इसी विषय पर उन्होंने वीडियो पब्लिश किया 2 नवंबर को। देखिए, साधक उनकी पहले इस वीडियो से नाराज हुए होंगे, कुछ कमेंट आई होंगी, तो अभी 2 नवंबर को वो कितने गुस्सा हो रहे हैं, देखिए। जय गुरुदेव, ओम नमः शिवाय। लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि आप सबों का कमेंट आता है जो हमारे देखने से पहले हमारे पूजनीय ऋषिगण देख चुके होते हैं, और ये भी देखते हैं कि किसने भेजा है। कई बार तो हम सोए रहते हैं तो हमें उठाकर बोलते हैं कि उठो, मोबाइल ऑन करो, कुछ मैसेज आया हुआ है, और उनको ऐसा जवाब दे दो। अतः आप सभी से यही कहूँगा कि सोच समझ कर कॉमेंट करें। इस क्रम में श्री आसाराम बापू, जो सत्य के मार्ग पर चलते हुए आज परेशान होकर जेलों में बंद हैं, तो उसके एकमात्र कारण उनके उदंड शिष्य हैं, जो कि बार बार मना करने के बाद वे लोग अब धमकी भरा संदेश भेज रहे हैं, तथा हमारी कौन सी शक्ति है बताओ, हम तुमको नहीं पहचानते, तुम आसाराम के शिष्य के सम्मानपूर्वक शब्द बोलो, नहीं तो समाप्त हो जाओगे। आसाराम को तुम क्या जेल से छुड़ाओगे, तुम्हारा काम मात्र एक भविष्य वक्ता का है, इससे ज़्यादा तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है। आसाराम ब्रह्म ज्ञानी है, उसके आगे तेरा क्या मोल है। आसाराम को छुड़ाने के लिए भगवान जन्म लेकर धरती पर आएंगे और उनका शिष्य बनकर जेल से छुड़ाएंगे। तुम आसाराम के शिष्यों का सम्मान करो, नहीं तो ब्रह्म दंड के भागी बनोगे, वगैरह वगैरह लिखकर भेज रहे हैं। इसलिए हमारे पूजनीय ऋषिगण ने सभी मौजूद दिव्य आत्माओं के साथ विचार विमर्श करके निर्णय लिया है कि श्री आसाराम की भविष्यवाणी बदल दी जाए, क्योंकि उनके शिष्य लोग एक तुच्छ भविष्यवक्ता के अलावा और कुछ नहीं समझते हैं। अतः श्री आसाराम बापू को जेल से छुड़ाने का कार्य उनके शिष्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है। हमारे ऋषियों के तरफ से जो मानवता के नाते वचन दिया गया था उसे वापस लेते हैं, यानी आने वाले 2 महीनों में जो कार्य जेल से छुड़ाने के लिए कहा गया था सो कार्य उनके शिष्यों के लिए छोड़ दिया गया है, तथा हमारे ऋषियों के तरफ से श्री आसाराम बापू को कल्कि देव के पूर्ण शासन होने के बाद ही जेल से छोड़ा जाएगा, और उनको रिहा करने के बाद वर्तमान भारत भूमि से अलग रखा जाएगा। अगर उनके शिष्यों से संभव हो तो वे जेल से रिहा करके भारत में रख कर दिखाए। इसके साथ ही ये अध्याय हमारे ऋषियों के तरफ से बंद कर दिया गया। ओम नमः शिवाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। अब इनकी वीडियो देखेगा कौन, मुझे बताइए। अब मैं इनसे एक सवाल, 2 सवाल करूंगा। पहला सवाल कि आपने पहले वीडियो में कहा 31 अक्टूबर के, उस समय भी आप उस वीडियो में भी आप नाराजी दिखा रहे थे कि क्यों बार बार हमें सवाल कर रहे हो, बापूजी के शिष्यों पर आप नाराजी बता रहे थे। उसमें आपने कहा कि ऋषि परशुराम जी ने प्रतिज्ञा की है कि बापूजी को इस वर्ष जेल से रिहा कराएंगे नवंबर दिसंबर में। अभी ऋषि परशुराम जी इनके साथ कहां से कैसी बात करते हैं पता नहीं, वो तो उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि बैंक में अकाउंट में आपके कितने पैसे हो या आप अगर किसी को नहीं बता दे तो ये भी हमको क्यों बताएंगे, ये ऐसा उन्होंने कहा है वो तो ठीक है चलो। लेकिन ऋषि परशुराम जी ने प्रतिज्ञा की बापूजी को नवंबर दिसंबर में छुड़ाएंगे, 2022 में छुड़ाएंगे। मुझे बताइए ऋषि परशुराम इतने हल्का कोई व्यक्ति है क्या? ऋषि परशुराम कितने महान है, वो अपनी प्रतिज्ञा को ऐसी तोड़ देंगे क्या कि 2-4 लोगों ने कुछ कमेंट कर दी और ऋषि परशुराम को गुस्सा आ गया और एक निर्दोष संत को वो
अब रिहा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि दो चार लोगों ने कमेंट की है। वाह देखो कितनी घटिया बात और कैसी हंसने वाली बात है। अरे भाई आप दो चार आप लोगों की भावना है, करोड़ों साधकों की भावना है, बाबूजी कब बाहर आएंगे कब बाहर आएंगे, उन्होंने कमेंट कर दी दो चार बार, आपसे पूछ लिया, आपको नहीं जवाब देना है तो इग्नोर कर दो, उपेक्षा कर दो, मत दो जवाब, कमेंट आ रही है तो आ रही है। इस तरीके से उन्होंने जो प्रतिज्ञा की वो प्रतिज्ञा भी तोड़ दी परशुराम जी ने। एक महान निर्दोष संत जो परेशान है जेल में, आप खुद बोल रहे हो कि निर्दोष है जेल में परेशान है, ऐसा आपका बोलना है, तो उनकी रिहाई की प्रतिज्ञा आप इसलिए तोड़ रहे हो कि दो चार लोगों ने कमेंट क्या कर दी तो आपने प्रतिज्ञा तोड़ दी। यार ऋषि परशुराम है कि कौन है भाई, कोई नेता है, कोई भाजपा का या कांग्रेस का नेता तो नहीं है ऋषि परशुराम जो इस तरीके से प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं, इस तरीके से नाराज हो रहे हैं, क्या है ये? और दूसरा, ये तो पहली बात हुई कि आप दो चार लोगों की कमेंट से, दो चार नहीं 50 आई होंगी 100 आई होंगी, मुझे नहीं लगता 4-5 हजार के ऊपर तो देखते भी नहीं कोई इनका वीडियो, इतने व्यूज भी नहीं है, तो फिर 10,000 या 15,000 लोगों ने देखा होगा, उसमें कमेंट आई कितनी होगी, बाबूजी के शिष्य कितने होंगे उसमें, ऐसे बार बार आपको जो सवाल आ रहे हैं। तो चलो ठीक है, अब मेरी दूसरा सवाल, आपके पास क्या सबूत है कि ये बापूजी के ही शिष्य है? क्या सबूत है आपके पास, कोई प्रमाण है? अरे भाई जानबूझकर ये लोग कहीं अभी बीच बीच में बापूजी की नाम डाल, मतलब बापूजी का अपने आपको बापूजी का समर्थक बताकर जानबूझ के इस तरीके से कमेंट करते हैं, ऐसे कई लोग हैं, और बापूजी के तो करोड़ों शिष्य है, उसमें कई दूसरे भी होते हैं, करोड़ों बापूजी के शिष्य करोड़ों है, उसमें सब एक जैसे तो नहीं होंगे, एक जैसे तो नहीं होंगे, और सबने आपके वीडियो तो सब पूरे देखे नहीं है, पहले के पहली बार देखा होगा, कभी सवाल पूछ दिया आपसे तो इसमें कौन से गलत हो गया? और जो शिष्य है या नहीं है उसका भी कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई भी तो सवाल कर सकता है आपसे बापूजी का नाम लेकर, तो फिर ऐसी बात कि अभी फैसला बदल दिया, निर्णय बदल दिया, प्रतिज्ञा जो उनकी अभी हम अब उनको रिहा नहीं करेंगे, साधक करके बताएं और भारत भूमि से उनको बाहर रखा जाएगा, साधक अभी उनको रिहा करके दिखाए और भारत में रख के दिखाए, ये क्या हुआ भाई, ये क्या तरीका हुआ? एक तो बापूजी के साधक है ही नहीं इसका प्रमाण नहीं, और अगर हो भी साधक तो उन साधकों की कमेंट से आप एक ब्रह्मज्ञानी संत के लिए इस तरीके से बात कर रहे हो, आप इतना बड़ा फैसला बदल रहे हो। अरे मित्रों सब बकवास, सब घटिया बात, हमारे गुरुदेव के लिए अगर कोई इस तरीके से बात करता है, हम साधकों को चाहे जो बोले, लेकिन गुरुदेव के लिए कि आसाराम बापू हमसे नहीं है, आसाराम बापू हमसे, वो हमारे थ्रू है, हम उनसे नहीं है, ये क्या बात हुई, ये क्या अहंकार हुआ आपका? अहंकार है ये, आपकी घमेंड है, ऐसा हम नहीं मानते कि सप्तर्षि इस तरीके से बात कर सकते, ये इन्होंने कुछ अपनी कोई ज्योतिष विद्या का कोई इनके पास अभ्यास होगा थोड़ा बहुत, उसके आधार पर भविष्यवाणी करते हैं और नाम देते हैं सप्तर्षियों का, क्या ये सप्तर्षियों की भाषा हो सकती है? इस तरीके की भाषा हो सकती है सप्तर्षियों की? रात को इनको जगाते हैं, रात को उठो उठ उठ, मोबाइल पर मैसेज आया है उसको जवाब दे दे, ऐसा वो सप्तर्षि? दो पांच लोगों की कमेंट को, सर्वसाधारण लोगों की कमेंट को इतना महत्व देते हैं, मोबाइल पे कमेंट इनको जगा कर, मोबाइल रात को इनको जगा रहे मोबाइल पर रिप्लाई देने के लिए, ये क्या हुआ? ये कितनी बकवास, इनकी कई भविष्यवाणी सही भी हुई, इधर उधर से सुन के इन्होंने भविष्यवाणी कर दी होगी, और कई इनकी झूठी भी साबित हुई है। बैंक में अभी कुछ दो महीने पहले आया था कि 1 तारीख से सब नेट बैंकिंग बंद हो जाएगा, बैंक के व्यवहार सब बंद हो जाएंगे, आप पैसा अपना निकाल लो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ बंद, और भी कुछ इनकी ऐसी आई है अभी, कुछ गलत सही भी हुई कुछ, लेकिन अगर ये सच्चे होते, वाकई ये सप्तर्षि की भविष्यवाणी होती तो 7% सही होना चाहिए, उसमें ऐसी कई भविष्यवाणी गलत क्यों हो रही है इनकी, क्यों झूठी हो रही है? और हर वीडियो में आप देखिए अहंकार से बात करेंगे, अहम भरा है ठूस ठूस कर, बापू जी की उन्होंने निर्दोष कहा, चलो ठीक है हम इनका सम्मान करते हैं कि बापूजी रिहा होने होंगे 2022 में, हमको बड़ा अच्छा लगा था उस समय से भी इस तरह बात की थी, लेकिन अब ये कि अब बापूजी को रिहा नहीं किया जाएगा, अब साधक करके दिखाए, ये क्या बात हुई? सप्तर्षि ऐसी बात कर ही नहीं सकते, बकवास बकवास। चलिए अभी आइंदा इनका कोई वीडियो, मैं तो वैसे भी देखता नहीं था,
लेकिन अभी कुछ दो चार बार कभी किसी ने रिपोर्ट मतलब बताया, जानकारी दी कि बापूजी के बारे में बोला है या इनके बारे में बोला, तो थोड़ा देख भी लेता था कि क्या बोला है। अब नहीं, अब कल की वाणी की वीडियो हम नहीं देखेंगे, जरूरत ही नहीं हमको कुछ। हमारे गुरुदेव के लिए अगर ये ऐसा बोल रहे हैं, धिक्कार है। हरिओम, जय गुरुदेव।